बहुत बड़ा एक आक्रमण हुआ। मैं 1980 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का रांची का अध्यक्ष था, 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ। अब उसी समय जब बिहार के मुख्यमंत्री होते थे जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने एक प्रेस बिल लाया कि अब बिहार के अंदर अखबार वही छपेगा जो बिहार सरकार चाहती है। अखबार में छपने के पहले उपायुक्त से आपको क्लीयरेंस लेना पड़ता था, आज तो कंप्यूटर का वो युग है। पहले वो ब्लॉक बनता था, वो अक्षरों को सजाकर फिर उसकी कॉपी डीसी के पास जाती थी, डीसी अप्रूव करता तो अखबार निकलता था। उसके खिलाफ हम 5 दिनों के लिए हम आमरण अनशन में बैठे थे। 5 दिनों के बाद छठे दिन उस समय के माननीय इंदर सिंह नामधारी महामंत्री होते थे बिहार प्रदेश के, उन्होंने मेरा अनशन तुलवाया था के, और उसके बाद जो प्रेस बिल है, जो काला कानून था, प्रेस पे ताला लगाया गया था, वो ताले खोला गया और प्रेस बिल हटाया गया। तो यही कांग्रेस पार्टी जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को का हनन किया, प्रेस बिल लगाकर प्रेस पे ताला लगाया, और वही कांग्रेस पार्टी जिसने आपातकाल में वरिष्ठ संपादकों को गिरफ्तार किया, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने बड़े बड़े अखबारों पे बैन लगाया, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आपातकाल पर खबरों को कैसे छोड़ा जाए उसकी रणनीति तैयार करती थी, ये वही कांग्रेस पार्टी है। अब ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर होते हैं उन पे बैन लगा रही है कि ना ना रूबिका लियाकत में नहीं जाना, सुधीर चौधरी पे नहीं जाना, ये क्या है भाई? आप तय करोगे कि कांग्रेस पार्टी तय करे, इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे कि भाई चित्रा त्रिपाठी हमारे अनुकूल पूछे ना? ये नहीं होगा। ये क्या प्रेस की स्वतंत्रता है? आपके अनुकूल आप सब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हो। बोला ना ना, इन जो 13-14 जो एंकर हैं उन वो जब टीवी पर रहेंगे इंडिया गठबंधन के नहीं लोग जाएंगे। क्या है? ये वही पार्टी है जिसने लगातार 1980 से लेकर और उसके पहले 1974 में से लेकर आज तक प्रेस का गला घोटा, ये वही पार्टी है। फिर आज उसने अपना चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा दिखा दिया। अरे भाई क्या है भाई, एंकर जो है वो आपसे प्रश्न करेगी, आप चिढ़ते क्यों हो? क्योंकि आपसे जवाब नहीं। क्यों 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, विकास के साथ खड़े हैं, और आपको लगता है कि नहीं? तो यह जो आपने तुगलकी फरमान जारी किया किन एंकरों के डिबेट में नहीं जाना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।